हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार। बहुत लोग की ये कमेंट आई कि सर, ओल्ड वर्सेस न्यू स्कीम में आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया। ऑलरेडी हमने उसमें एक वीडियो बनाया था, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ क्लियरिटी नहीं है। तो मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ अभी। उसमें हम यही बात करेंगे कि ओल्ड वर्सेस न्यू कौन सा अच्छा है। उसमें हम बहुत तरह के कॉम्बिनेशन पे भी बात करेंगे। उसके पहले एक डिटेल बात करेंगे कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लगता है, उसको लेके फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्क्रीन पे आपको सारी चीज़ें दिख भी रही होगी। अगर हम बात करें तो स्लैब कैसे हैं, पहले मैं अभी एज वाइज नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जनरल ले रहा हूँ। अप टू 2.5 लाख निल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ओल्ड स्कीम में है या न्यू स्कीम में, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% है, न्यू रिजन में भी 5% है। फिर 5 लाख टू 7 लाख 50,000 पे 20% है, न्यू स्कीम में 10% है। फिर 7.5 लाख टू 10 लाख ओल्ड स्कीम में 20% है, न्यू स्कीम में 15% है। 10 लाख टू 12 लाख 50,000 30% ओल्ड स्कीम, 20% न्यू स्कीम। 12 लाख 50,000 से 15 लाख तक 30% और नए स्कीम में 25, और 15 लाख के ऊपर दोनों में बराबर है। अब देखिए, पहले कंफ्यूजन ये नहीं रहना है कि ये टैक्स रेट कम है। अगर आप नया स्कीम लेते हैं, ये डिपेंड करता है, ये आदमी टू आदमी, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वो हम आगे डिटेल बात करेंगे। नए स्कीम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है। अप्रॉक्सीमेटली जो मेजर बेनिफिट है वो खत्म हो जाएंगे, वो आपको बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब है क्या, कौन ले सकता है। कोई भी आदमी इसको ऑप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहे छोड़ भी सकता है। अगर आपने इस साल नए स्कीम को अडॉप्ट किया, अगर आपको लगता है कि अब आपको कंटिन्यू नहीं करना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने इसको इस स्कीम को छोड़ दिया तो दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते। ये इसके साथ एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप न्यू स्कीम को लेते हैं तो उसमें कुछ मैं मेजर बता दूं कि कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नया स्कीम ऑप्ट किया तो आपको मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूं जो बेनिफिट आपको टैक्स के बेनिफिट के लिए नहीं मिलेगा। ये नई स्कीम, पुराने स्कीम में कोई दिक्कत नहीं। जैसे लीव ट्रेवल अलाउंसेस, ये आपको नहीं मिलेगा। HRA नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर TTAB नहीं मिलेगा, डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, उसके अलावा डिडक्शन अंडर फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, ATC नहीं मिलेगा, ATCCD नहीं मिलेगा, उसके अलावा ATD जो प्रीमियम पे करते हैं जब हम हेल्थ के लिए, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा ATDDDB और DD ये भी नहीं मिलेगा। टैक्स इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन अंडर ATE ये भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा ATG भी नहीं मिलेगा। ये लिस्ट है, यानी कि ये बेनिफिट आपको नए स्कीम में नहीं मिलेंगे। खैर, एक बार अब मैं टैक्स का रूलिंग बता देता हूँ, उसके बाद हम आते हैं उस पर। अभी जो हमने बताया था ये था कि जिसकी एज 60 के नीचे थी उसके लिए था। अब एक है, एक टैक्स स्ट्रक्चर है 60 to 80, उसमें अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड 10 लाख एंड अबव 30%। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ये जगह कहा जाता है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं है, एकदम गलत कहा जाता है। 5 लाख तक टैक्स है। एक सेक्शन है 87A, उसमें आपको बेनिफिट दे दिया जाता है जिसकी वजह से अप टू 5 लाख तक के सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है। यानी कि ये मैं क्लियरिटी दे दूं, क्योंकि तुरंत कमेंट आ जाएगा सर 5 लाख तक फ्री है। 5 लाख तक फ्री नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उसका आपको बेनिफिट लेना होता है 87A में। अब आ जाते हैं, एक सुपर सीनियर सिटीजन होता है जो कि एज 80 एवब हो, उनके लिए अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। अब एक और है एक्स्ट्रा सरचार्ज। मैंने अभी जो टैक्स रेट बताया उसमें सरचार्ज इंक्लूड नहीं है, 4% का सेस एंड एजुकेशन सेस है, वो अलग से लग जाएगा। अब बात करते हैं कि सरचार्ज, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तब 10% का एक्स्ट्रा सरचार्ज है ऑन द टैक्स अमाउंट। नेट अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%, जिसको लेके बजट में बड़े हंगामे हुए थे और कहा गया था कि एक तरह का रिच टैक्स लगाया गया। खैर, ये एक अलग डिबेट है, उसमें मैं नहीं जाता। अब बात करते हैं कि कौन सा बेनिफिट आपको ज़्यादा है और कौन सा नहीं है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, हमने अपने कंडीशन में 3 तरह के लोगों को रखा हुआ है।
कैसे? एक ऐसे लोग जो कि ओल्ड सिस्टम में ही थे, कोई बेनिफिट नहीं लेते थे। ये एक बहुत बड़ा जो स्पेशली देखा जाता है, जो 2020 मतलब 20 साल 22 साल 24 साल के जो लोग होते हैं उनमें जनरली ये देखा गया कि इन्वेस्टमेंट की टेंडेंसी नहीं होती है, तो शायद उनके लिए अच्छा हो। तो हमने तीन कैटेगरी बनाई। एक कैटेगरी बनाई जो कि ओल्ड में ही थे, कोई बेनिफिट नहीं लेते थे। दूसरा था ओल्ड में लेकिन टैक्स बेनिफिट मतलब जो भी डिडक्शन थे उसको लेते थे, और नया सिस्टम। तीनों को कंपेयर करके हम एक बार बात करते हैं। तो अब हम मान के चलते हैं कि अप टू 5 लाख हमने इसलिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि अगर अप टू 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है, बजरते आपको 87A का एक बेनिफिट लेना पड़ेगा, आपको वहां पे क्लेम करना पड़ेगा, आपका टैक्स निल हो जाएगा। लेकिन 5 लाख के ऊपर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। खैर, हम मान के चलते हैं कि हमारे केस में पहला केस है 7.5 लाख रुपए की इनकम है। अब एक बंदा है जो डिडक्शन लेता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन लेता है जो कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने, उसके अलावा 80D में 25,000 लेता है और होम लोन 2 लाख रुपए। ये एक कंडीशन है। एक दूसरा भी कंडीशन लेके आएंगे जहां पे होम लोन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई न्यू रेट में क्या होगा, और अगर आपने ये क्लेम नहीं लिया पुराने सिस्टम में भी तो क्या होगा। अगर पुराने सिस्टम में अगर आप इसका बेनिफिट नहीं लेते हैं, कोई डिडक्शन आपके पास नहीं है, तो आपको केवल और केवल 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 7 लाख, जिस पे जो टैक्स आएगा 52,500 रुपये आएंगे, 5% से 12,500 और 10% के हिसाब से 20% के हिसाब से 40,000 रुपये। अब आते हैं दूसरा सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, जहां आप डिडक्शन लेते हैं। यानी कि ये जितनी चीज़ें बताई अगर आप इसका डिडक्शन लेते हैं तो जो आपकी इनकम होगी 3,25,000 रुपये की होगी। कैसे? 7,50,000 पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया, 1.5 लाख का 80C में माइनस हो गया, 25,000 का 80D में माइनस हो गया और 2 लाख का इंटरेस्ट माइनस हो गया, और यहाँ पे जो आपकी टैक्स बनी 7,50,000 पे नील बनी। क्यों? क्योंकि आप 87A का बेनिफिट ले लेंगे, अप टू 5 लाख आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं न्यू सिस्टम में। न्यू सिस्टम में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 7.5 लाख हो जाएगी, 5% के हिसाब से 12,500 और 10% के हिसाब से 25,000 का आपको टैक्स बना, यानी कि टोटल टैक्स 37,500 रुपये हो पहले केस में। यानी कि अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन सब चीज़ों के लिए, तब आपके लिए अच्छा होगा कि आप ओल्ड सिस्टम में जाएं और डिडक्शंस का क्लेम दे, आपको 0 टैक्स हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी लगभग 2 लाख, 1.5 लाख का 80C में और 25,000 का 80D में। अभी आपके पास NPS भी है, अगर चाहें तो 50,000 वहाँ भी लगा सकते हैं। खैर, हम मान के चल रहे हैं कि 7.5 लाख में वो नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं 10 लाख। 10 लाख पे सेम है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख का 80C, 80D में 25,000 और 2 लाख का होम लोन। अगर आप नए ओल्ड सिस्टम में ही कोई बेनिफिट नहीं लेते हैं तो केवल 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको, यानी कि 9,50,000 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। इस पर 1,02,500 रुपये का टैक्स आएगा। ओल्ड सिस्टम नो डिडक्शन। बहुत लोग थे जो डिडक्शन नहीं ले पाते थे क्योंकि इन्वेस्ट नहीं करते थे उनके हिसाब से। दूसरा, जो डिडक्शन ले रहे हैं उनकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 5,75,000, यानी कि 5 लाख के ऊपर होगी, यानी इनका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा 27,500 रुपये हो जाएगा। यानी 10 लाख पे 27,500 रुपये दिए, बशर्ते आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान के चलते हैं आप करके रखा है नए सिस्टम में जहां आप कुछ नहीं कर रहे। ये उनके लिए जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 10 लाख की इनकम की 10 लाख इनकम रहेगी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 75,000 का आपको टैक्स आएगा इस पर। यानी ये अब उसके लिए अच्छा हो गया जो पुराने सिस्टम में भी था लेकिन क्लेम नहीं लेता था, यानी किसी रीजन से वो इन्वेस्ट नहीं करते थे, उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें कर रखी है फिर ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं सेग्रीगेट भी करता जा रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ। तीसरा हमारा कंडीशन है 15 लाख की इनकम। सेम, अगर आप ओल्ड सिस्टम में ही थे तो आपको केवल 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 14,50,000 के टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी जिस पे जो टैक्स आएगा 2,47,500। अब आते हैं ओल्ड सिस्टम में ही डिडक्शन लेते हैं। अगर हम ओल्ड सिस्टम में डिडक्शन लेते हैं सारे तो 10,75,000 की टैक्सेबल इनकम हो गई और उस पर मुझे 1,35,000 का
टैक्स देना पड़ेगा। अभी मैंने सेस को इग्नोर किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको कंसीडर ना करें। मैंने सेस नहीं दिया, अभी ऐसे ही कैलकुलेशन ले रहे हैं। 135,000। अब बात करते हैं वैसे लोगों की जो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते और नए स्कीम को लेना चाहते हैं, उनके लिए 15,00,000 का टोटल इनकम हो गया और जो टैक्सेबल अमाउंट भी होगी वही हो जाएगी, और इस पर जो टैक्स लगेगा 187,500 रुपये लगेगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। देखिए, करने के फायदे क्या और नहीं करने के फायदे, मैं पहले इसको डिटेल में लूँ, फिर मैं दूसरे सीट पे जाऊँगा। अगर आप करते हैं तो आप देखें कि एक तो आपने 1,50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी, ATD ले लिया यानी कि आपने हेल्थ कवर भी ले लिया, और जो होम लोन ले रखा है उस पर 2,00,000 हो सकता है कि बहुत लोग होम लोन ना ले पाए, फिर भी मैं 50,000 की बात करता हूँ। अगर आपने 50,000 रुपये नेक्स्ट 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ में ये भी आना चाहिए कि कितना बड़ा कैपेक्स आपके लिए खड़ा होगा। लेकिन अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पाते हैं तो आपको नए स्कीम में 187,500 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैं दूसरे एक सीट पर जाता हूँ जहाँ मान के चलता हूँ कि होम लोन नहीं है, क्योंकि बहुतों का होगा कि सर मैं तो होम लोन लिया ही नहीं, फिर क्या होगा? ये तो आपने हाइपोथेटिकली एक बना दिया कि जहाँ टैक्स सेविंग के हिसाब से बात हो रही है। चलिए दूसरे पे आ जाते हैं, सेम कंडीशन, 7,50,000। इसमें हमने होम लोन का पार्ट हटा दिया, इसके अलावा भी बहुत तरह की चीज़ें थी जो आप कंसिडर कर सकते थे, NPS ले सकते थे 50,000 का, वो सब भी अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं। यानी कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,50,000 का ATC और ATD 25,000। ओल्ड सिस्टम में ही आते हैं, आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तब आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी 7,00,000 होगी, उस पर 52,500 का आएगा। ओल्ड सिस्टम विद डिडक्शन, अगर आपने डिडक्शन लिया तो 5,25,000 रुपये इस पर आएगी, क्योंकि आपने 2,00,000 रुपये का जो पहले हमने होम लोन लिया था वो यहाँ पे इग्नोर कर दिया, 17,500 का टैक्स बना है 7,50,000 रुपये पे, अगर केवल आपने 1,50,000 और 25,000 का ATD ले रखा है। नए सिस्टम में कोई डिडक्शन कोई क्लेम नहीं करते हैं तो 7,50,000 रुपये आपकी इनकम हो गई, उस पर टैक्स बना 37,500 रुपये। यानी आपको सोचना है कि आपको 17,500 देना है या 37,500 देना है। 20,000 आप नो डाउट लगभग 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन नुकसान आप ही का है। इससे बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म में अपने लिए कैपेक्स भी जमा कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप अपने लिए गाड़ी खरीदनी चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई प्लान कर रहे हो, शादी होने वाली हो, या किसी भी तरह की चीज़ें हो, उसके लिए वो पैसे यूज़ हो पाएंगे। खैर, लॉक इन पीरियड है, उसमें अभी नहीं जाते कि लॉक इन पीरियड का क्या मामला है। बहुतों का होगा कि सर लॉक इन पीरियड भी तो एकदम लॉक इन पीरियड है, उसमें हर जगह लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन फिर भी आप मान के चले अपर 5 ईयर्स का ही मान लेते हैं, 5 साल बाद तो आप पैसे यूज़ कर ही सकते हैं ना सर, तो ये आपका कॉल है। चलिए दूसरे पे आते हैं, 10,00,000। ओल्ड सिस्टम 9,50,000, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और आपको टैक्स देना पड़ा 1,02,500। पुराने सिस्टम में विथ डिडक्शन 67,500, क्योंकि अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी 7,75,000 रुपये हो गई और आपने जो टैक्स दिया 67,500 रुपये दिए। नए सिस्टम में आते हैं तो टोटल का टोटल 10,75,000 रुपये, अभी भी आप 7,500 रुपये टैक्स कम पे कर रहे हैं। अगर आपने NPS लगा दिया 50,000 का तो आपको और बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरा कंडीशन 15,00,000 पे, अगर आप पुराने सिस्टम है कोई डिडक्शन नहीं लेते हैं तो 50,000 का तो बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा, यानी कि 14,50,000 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई और जो टैक्स बनेगा 2,47,500 रुपये बनेगा। यहाँ पे बहुत गैप आएगा। नए सिस्टम में आते हैं, नए सिस्टम में भी अगर आते हैं तो 10,75,000 रुपये आपकी इनकम हो गई और जो उस पर टैक्स लगेगा 1,35,000 रुपये हो गए। और अगर आप मतलब पुराने सिस्टम में विथ डिडक्शन जा रहे हैं जिस तरह से, उसमें आपको 1,35,000 का टैक्स बन रहा है, और अगर आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 15,00,000 है जिस पे 1,87,500 रुपये देने। अब देखिए, हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया और सारे टैक्स दिखा दिए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, पुराने सिस्टम में क्या था, नए सिस्टम में क्या है, 3 कंपैरिजन आपको हम दे रहे हैं। अब ये आपका कॉल है कि आपको सोचना है कि आपके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा हम इनकम टैक्स के नीचे लिंक भी दे रहे हैं इस वीडियो के नीचे, वहाँ पे अगर आप जाए हैं तो अपने इस टैक्स को डाल के पुराने और न्यू के हिसाब से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मेरे से आप एडवाइस लीजिएगा तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप पुराने स्ट्रक्चर्स पे जाएँ,
इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक इन्वेस्टिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो आपके बिहेवियर में आ जाएगा, फ्यूचर में भी आपकी सेविंग की आदत नहीं रहेगी। क्या होगा कि जिस हिसाब से आप खर्चा करने लगते हैं वो आपके हैबिट में डेवलप हो जाता है। तो मैं उसको कहीं प्रमोट पर्सनली नहीं चाहूँगा कि आप करें, आप ओल्ड सिस्टम में जाएँ, जिसके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहें करें, और टैक्स बेनिफिट जरूर लें। मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ कॉल आपका है, आप जो चाहें वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप फ्री हैं चीज़ों को डिसाइड करने के। लेकिन हमारा काम था कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बताएं कि कौन सा किसके लिए बेनिफिट है। तो तीन लेवल पे हमने बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी भेजें, सो दैट कि वो अपने टैक्स के स्ट्रक्चर को समझ पाएँ, साथ के साथ अपने कंपेरिजन को भी यहाँ पर देख पाएँ। इसके अलावा अगर आप हमें अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हम फायर टीवी, एप्पल टीवी, एंड्रॉयड टीवी, जियो टीवी, इसके अलावा ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। वेबसाइट taxfordwealth.com के पे जाके ये सारी वीडियोस, वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो देख सकते हैं। तो खैर आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कॉमेंट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएंगे, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।